माई बिलिंग पैड में आपका स्वागत है, जिसमें आप देखेंगे जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, रिटेल शॉप में कैसे हम बिल करेंगे, आज हम देखेंगे सेल पैनल के बारे में कि सेल में हम कैसे अपने प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद हम कैसे हम उसका A4 साइज में हम बिल को जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्टकट की F4 बटन को हम प्रेस करते हैं। उसके बाद यहां पे जो कस्टमर का डिटेल लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं, कस्टमर का यहां पे कस्टमर की आईडी है और कैश करके जो लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर पहले से ही कस्टमर अगर हमसे वो सामान लिया है तो हम यहां पर उसका नाम सर्च करेंगे। जैसे हम राहुल सर्च करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो उसकी लिस्ट आ गई, हम सेलेक्ट कर लिए, यहां पे आ गया। फिर बारकोड बटन पे हम जाके इस तरीके से हम स्कैन करते हैं। बिल को नेक्स्ट स्टेप में लेने के लिए हम इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए हम F2 बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे टोटल हमारा बिल बन रहा है आपका इस तरीके से, अमाउंट नीड टू पे 7,457 रुपया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7,500 हम एंट्री कर देते हैं। उसके बाद बिल को कंप्लीट करने के लिए F12 बटन को प्रेस करिए या सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करिए या फिर इंटर करके इस तरीके से आप बिल को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमारा बिल कंप्लीट होने के बाद आपके सामने इस तरीके से प्रीव्यू आ जाता है प्रिंट का। इस प्रिंट प्रीव्यू में हम यहां से प्रिंट कर सकते हैं और ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको दिखा दूं आपको कैसे, ये देखिए यहां से प्रिंट कर सकते हैं और यहां से अपने इस बिल को एक्सेल में वर्ल्ड में लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं। जैसे प्रिंट बटन पे क्लिक किए तो आपका यहां पर जो भी प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करके प्रिंट करिए और यहां पे एक्सपोर्ट प्रिंटर पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका PDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहिए, जहां पर भी चाहिए उस तरीके से सिलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको दोस्तों। फिर उसके बाद व्यू, अगर सारे बिल को व्यू करना है तो शॉर्टकट की यहां पे दिया गया है F5 या गेट डाटा बटन पे क्लिक करिए। ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपके या तो F5 बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से डाटा व्यू अलग अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे सपोज भाई, आपको थोड़ा सा हम जूम करके दिखा दे रहे हैं, यहां पर सर्च बाय इनवॉइस नंबर है, सर्च बाय डेट बिटवीन है, सर्च बाय कस्टमर नेम है, सर्च बाय सेल्समैन नेम है, सर्च बाय बारकोड है, सर्च बाय इनवॉइस नंबर है। आप जैसे चाहिए आप सर्च कर लीजिए। हम डेट बिटवीन के रूप पर हम सर्च किए तो यहाँ पे INB 0019 INB 20 है। हम जैसे 20 वाले को करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर प्रिंट को F6 बटन पे हम प्रेस करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू फिर से जो अभी आपको हम दिखा रहे थे वो आ जाएगा। और या तो फिर आप डायरेक्ट प्रिंट बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।